किस हालत में लड़की मिली थी देखे हैं? लड़की बहुत रले बड़े चू ससरत रले दे में जट्टा फूटा सिर में मारे रुए हम सब देख के तो गए आ जखम हुआ पूरा दे आ दू महीना पर कह रहा है कि लड़की माँ के पास ना 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 रहे माँ के पास रहते तो हम सब गांव में से खोज खाज के ला के दिखा देते ना रहे माँ के पास। अच्छा और भी लड़की इस तरह भागी है गांव में कहियो? ना 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 कह रहा है गांव के गांव में लगातार लोग अपना बेटी को नुका देता है लोग से पैसा ना 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 जे को है ना से उतारत हुई है ना ये सब ना भेले अभी गाँव में कोई ना। आप लोग अपनी बेटी को नुका देते हैं और लड़का वालों से 5-10 लाख रुपया वसूलते हैं? ना इस गलत बात है वो तो बेचारी वो की नानी रो रही है कि लड़की मिल जाएगा तो हमारे आपस वाला मामला है सब गोटारिया फरिया लेंगे ये सब फरवाद बात बोल रहा है सब। आपके गांव में कभी ऐसा हुआ है? ये मोहल्ला में तो न हुआ है हम तो है दूसरे मोहल्ला के मगर ये मोहल्ला में न ऐसा हुआ है मगर बोले वाला आदमी सब बेवकूफ है की बात हुआ में चल रहा है की आपके मोहल्ला का आदत है ऐसा 10 गो 12 गो अभी तक हो चुका है कि अपना बेटी को नुका देता है लड़का वाला से पैसा लेता है 5 लाख। ये मोहल्ला में नहीं हुआ है दूसरा मोहल्ला में हो चुका है सब हो चुका है ये मोहल्ला में नहीं हुआ है झूठ वाला। ये लोग भी है बाकी जो लड़की आई है वो किस परिस्थिति में मिली है? लड़की तो मिली थी एकदम मैला मैला कपड़ा ऊपर नहीं थी उसके बाद ने इतना जूं सिर में था जख्म था हम लोग जब गए थे थाने पर तो देखे थे उसके बाद है ना बोल रहे कि हम स्टेशन पर रहे हैं माँ के यहाँ का बदनाम कर रहे तो माँ के यहाँ। अच्छा, माँ के यहाँ रहती जैसा आप लोग कह रहे हैं तो क्या उस हालत में रहती? नहीं नहीं ऐसे कैसे रहती माँ के यहाँ वैसा गंदा कपड़ा पहन के वैसे रहती माँ बाप वैसे बच्चा को रखते हैं। अभी जो लड़की दिख रही है और पहले जो दिख रही थी उसमें क्या अंतर है? अलग है बहुत सेहत खराब है अभी सेहत खराब जी। शुरू में कैसी लग रही? अच्छी थी गो थोड़ा देह हाथ भी था अभी पीला लग रही है इतना पतली नहीं थी थोड़ा हाथ थी। उसके नानी पर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसा वसूलने के लिए अपनी बेटी को नतनी को नुका दी। नहीं गलत बात गलत बात जी। अच्छा ऐसा आपके मोहल्ला में पहले भी कभी हुआ? नहीं कभी नहीं। लेकिन चारों तरफ ये है मेरे पास कॉल भी आया था कि इस गांव का यही रवैया है कि अपने बेटियों को कहीं रिश्तेदार के यहाँ भेज करके और किसी लड़का पर आरोप लगा के उसे 5-10 लाख पर डील करता है। नहीं हम मोहल्ला गांव का तो नहीं जानते हमारे मोहल्ला में है हमारे मोहल्ला में कोई नहीं है ऐसा ये लड़की ऐसा हुई पहली मरतब वो लड़की गई है हमारे मोहल्ला में ऐसा कोई भी ना जितना है ना 15-20 घर मोहल्ला में हमारे मोहल्ला में नहीं। तू चैनल पर चलाने वाला हरामी पना करता है और क्या करेगा उसके पास बेटी नहीं है बेटी को लेके आते हैं अपने पास बेटी हमारे पास बेटी है वो बेटी नहीं है वो सोचनी चाहिए उसको। किसके चैनल पर आप देखे? सलमान सागर। क्या देखे थे? वही देखे थे कि बोल रहे कि 10 लाख 20 लाख 5 लाख मांग रहा है पैसा चुरा के बेटी को रख देते दूसरा गाँव बेटी का नहीं दूसरा गांव तीसरा गांव मोहल्ला का ही आदत है कि पैसा दो 10 लाख 2 लाख 4 लाख मतलब ऐसे करके पैसा मांगते हैं। सलमान सागर चलाए? सलमान सागर चलाए हम लोग मोबाइल पे आए हाँ जी हम देखे देखे तो क्या वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है गलत? गलत उसको गलत। आप लोग विरोध कर रहे जी गलत है गलत हमारे लोग के मोहल्ला में हुए नहीं है तो कैसे कहेंगे हम लोग के मोहल्ला में अच्छा है पहली मरतबा लड़की भागी। जब गलत न्यूज चलाया तो आप लोग उसे बात क्यों नहीं किए? हम लोग नहीं किए हम लोग के पास नंबर नहीं था उनका ना हम लोग को क्या पता कल देखे थे कल तो कल देखे परसों शाम में छोड़ा कल देखे थे हम लड़की आई थी तो देखे थे? हाँ, देखे। किस हालत में थी? एकदम गंदी हालत में थी। गंदी हालत में थी किस टाइप से दिख रही थी? एकदम पागल जैसे लग रही थी गंदा से गंदा पहने हुई थी तो पागल की तरह दिख रही थी। लेकिन सब तक कह रहा माँ के यहाँ थी तो माँ के यहाँ रहने पर बच्चा पागल कैसे हो जाता है? नहीं माँ क्या नहीं थी कहाँ थी पता है आप लोग को? तो जलंधर का ही अभी आया रिपोर्ट जलंधर में मिली। लेकिन आपके गांव की ही महिला कह रही है कि सलमान सागर चला रहा है न्यूज पर कि वो लड़की अपने माँ के यहाँ पर थी। नहीं गलत न्यूज चला रहे हैं गलत न्यूज चला रहे हैं और इस मोहल्ले को जो बदनाम कर रहे हैं सलमान सागर भाई ऐसी गलत है इसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। आपका क्या कहना है? देखे है लड़की देखिए मेरा कहना बरियारपुर बहुत बड़ा टोला है। अच्छा पहले कभी हुआ होगा तो उसको लोग मोहल्ला को सान रहा है। आपको पता है अभी तक कितनी लड़कियों को हुआ? आप अभी तक बरियारपुर में कितनी लड़कियों के साथ ऐसे घटना देखे? ऐसा बहुत देखे हैं उसी को लेकर उसान रहा होगा लेकिन हमारे मोहल्ला में बच्ची पहली मरतबा यहाँ से गया है। अच्छा ठीक है और जब हम आए थे तो दो ही दिन देखे थे बच्ची को हम जब दिल्ली से आए थे और अभी हम देखे अभी आके देखे कल लड़की यहाँ आई
तो कैसी दिख रही है? हम नहीं देखे कल परसों, आज देखे। हाँ, आज ही देखे। और जाने से पहले देखे थे? हाँ, तो हाँ। दोनों में कितना बदलाव? बहुत बदलाव है, उस रुझान उसके चेहरे पे नहीं है अब। लड़की माँ के यहाँ थी? देखिए, ये तो खैर नहीं कह सकते कि माँ के यहाँ थी या जलंधर में थी कि दिल्ली या बॉम्बे था, ये मुझे पता नहीं। लेकिन देखने से क्या लगता है? देखने से लगता कहीं पागल की तरह बौरा रही होगी, जिसे कोई न। अगर माँ की यहाँ रहती तो उसकी माँ यहाँ के रोती या उसका बाप आके रोता? कह रहा कि उसकी मौसी थी। माँ भी था, उसकी मौसी भी थी, उसकी मम्मी, चार बहन, एक नहीं है कि छुपा लेगा, चार बहन। बरियारपुर बहुत ऐसा कांड होते रहता है, लेकिन उसके बारे में शान रहा होगा, हमारे मोहल्ले को बदनाम कर रहा है। बरियारपुर में ऐसा होता है कि लड़की नुका छुप जाती है और पैसा सुनती है? ऐसा तो है नहीं, लेकिन कहने के लिए कुछ भी कहिए, क्या कहिए बोलिए। चलिए सही में ये लोग जो कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एक बात बताती हूँ। लड़की जो होती है, अगर उसके साथ कोई घटना भी घट जाए, फिर भी लड़की बदनाम है। लड़का कोई बहला करके ले जाए, फिर भी लड़की बदनाम है। लड़की का अगर कहीं हत्या हो जाए, फिर भी कहेगा कि लड़की बदनाम है, किसी के साथ भाग गई होगी। लड़की को घर से कोई किडनैप कर ले, फिर भी लड़की बदनाम कि लड़की भाग गई होगी। लड़की क्यों कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ सिर्फ लड़की ही बदनाम है। लड़का को दोस्त कोई देता ही नहीं है कि लड़का का गलती भी हो सकता है। आप लगातार देखते होंगे, कोई लड़की अगर किसी अपने पति को छोड़कर चली जाती है, फिर भी महिला को ही दोष देता है। पति उसको छोड़ दे, फिर भी कहता है महिला ही गलत होगी। बच्चे को छोड़ दे, फिर भी महिला गलत होगी। या कोई जो नाबालिग होती है, उसको कोई लड़का लेके भाग जाए, फिर भी कहता है वो लड़की ही गलत होगी, लड़का के साथ गई ही क्यों। बताइए, जब हर जगह लड़की ही गलत है, लड़का ही सही है, तो ये फिर न्याय की बात क्यों? एक झंडा लेके टांग देना चाहिए कि लड़की किसी भी हालत में दोषी लड़की ही है, लड़का तो कहीं से दोषी है ही नहीं। तो यही बेहतर होता। एक कानून, ए जो वकील, ये जज और ये पुलिस प्रशासन, दुनियादारी की तब आवश्यकता ही नहीं है। हर हाल में लड़की ही बदनाम है। तो दर्शकों, आप ही देखिए, और आपको भी ऐसा लगता है कि लोग लगातार हर मामले में सिर्फ लड़की को घसीट रहा है, तो अगर आपको ये बात सही और गलत जैसा भी लगता है, आप लोग कमेंट करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। और जो है सीतामढ़ी पुलिस को टैग कीजिए, और जो सीतामढ़ी पुलिस का जो कहना है, और सीतामढ़ी की पुलिस लगातार लड़की को डराती धमकाती है कि कहो हम लड़का के साथ नहीं गए थे, माँ बाप के साथ गए थे। अब बताइए कि जब लड़की कह देगी कोर्ट में और डीएसपी साहब के सामने कह देगी कि मैं उस लड़का के साथ न जाकर के माँ के साथ थी, फुआ के यहाँ थी, मौसी के यहाँ थी, और मोहल्ले वाले क्या करेंगे? जब लड़की को उसके माँ बाप को सौंपती है पुलिस, तो मोहल्ला का लोग तो जानता है कि लड़की कहाँ गई थी। उसके घर वाले को ताना मार मार के लोग जीने नहीं देते हैं। जैसा कि इनसे पूछते हैं, क्या ताना मारता है लोग? मारता है ना? अभी इनकी नतनी गायब हुई थी, बहुत लोग ताना मार रहे हैं कि लड़का लेके भाग गई, तो उड़ गई, तो पन्ना हुआ, चिन्ना हुआ, सब बोल रहे थे। शादी होगा? होगा, कैसे होगा? बेटी है तो आज जिसका ना होगा, बगल में हम लोग मामला में, हम लोग के पास बेटी है। इसके जगह कोई लड़का गया होता तो उसके शादी होने में कोई दिक्कत होता? लड़का को क्या होगा, लड़का तो कहीं कर लेता है, लड़की को मैंने दिक्कत होता है।